Good morning, student. This is Sanjay Kumar Kasotia from Pragya Public School, and I welcome to you in online classes. Today we are going to study about symbol of element. So first of all, from where is obtained? Ana kahan se aaye symbols? Inki kya history hai? So we discuss about it. Okay? So symbols ke baare mein you very well know. This is a symbol, right? And this is also a symbol. So what they are? They are indicate to happiness, and this is indicate to sadness. But here we are writing something. No, we are not writing anything. But we identify what is going on. So symbol kya hote hain? Uske baare mein hum puri detail padhenge, right? So chemical symbols ke baare mein kya history hai? Main thoda sa aapko detail bata deta hoon. So sabse pehle jo inki डिराइव कहां से हुए उनके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है? तो सिंबल्स जो है उनका डिराइव कहां से हुई, राइट? तो पहला तो हम बात करेंगे कि सिंबल का डिराइव कहां से, यानी उत्पत्ति कहां से हुई. तो जो फर्स्ट है वो है ओरिजिन ऑफ प्लेस, यानी ऑरिजिन ऑफ प्लेस का मीन्स जहां से ये उत्पन्न हुए. मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मैंने कहा कैलिफोर्नियम, सो कैलिफोर्नियम, अब कैलिफोर्नियम कहां से आया होगा बताओ? देखिए, जानते हो कि भाई जब कैलिफोर्नियम आ रहा है तो ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि ये कहां से आया होगा. कहां से आया होगा? कैलिफोर्निया से. यानी ये जो है कैलिफोर्नियम वर्ड है, ये कहां से है? कैलिफोर्निया से, राइट? उसी तरीके से पोलैंड जो है, पोलिनियम, वो कहां से उत्पन्न हुआ होगा बताओ? ये हुआ होगा आपके पोलैंड से, राइट? ठीक है. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज संजय कुमार कांसोटिया फ्रॉम प्राग्य पब्लिक स्कूल. आई होप सभी इन क्लासेज का, ऑनलाइन क्लासेज का अच्छी तरह से भरपूर फ़ायदा उठा रहे होंगे. आज मैं आपको जिस टॉपिक के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ, जनरली वो केमिस्ट्री की बैकबोन है. तो इसके बारे में अगर आपको नहीं जानकारी तो मतलब आप केमिस्ट्री ढंग से पढ़ नहीं सकते. एक बात का ध्यान रखें कि जब भी मैं आपको रिपीट करने के लिए बोलूं या दो तीन वर्ड बाद बोलूं, तो आप भी अपने आप जहां पढ़ रहे हैं वहां भी उस चीज़ को रिपीट करें, ठीक है? तो हम देखो, सबसे पहले हम इस बारे में बात कर लेते हैं कि हम पढ़ क्या रहे हैं. तो हम पढ़ रहे हैं आज नेम ऑफ द एलिमेंट. क्या पढ़ रहे हैं हम? नेम ऑफ द एलिमेंट. तो सबसे पहले हम जो सिंबल्स है, एलिमेंट्स के सिंबल्स है, उनकी डिराइव्ड कहाँ से हुई है भाई, या आए कहाँ से? क्यों? क्योंकि जब तक हमें इनके आने का पता नहीं चलेगा, इनको लिया कैसे गया, इनके तरीके क्या है, लिखने के क्या तरीके, हम केमिस्ट्री को समझ भी नहीं सकते, ठीक है ना? तो सबसे पहले देखो, इनके पहले कि जहां पर ये, यहां मैंने लिख दिया ओरिजिन ऑफ प्लेस, जहां पर ये मिले हैं, जहां पर ये पाए गए हैं, उन्हीं के नाम के हिसाब से इनका नाम भी, एलिमेंट का नाम भी वही रख दिया गया. फॉर एग्जांपल, जैसे हम बात करता हूं आपके देखो क्या लिखा मैंने, कैलिफोर्नियम. क्या लिखा मैंने? कैलिफोर्नियम. तो कैलिफोर्नियम आपको अच्छी तरह से पता होगा, यूएसए का एक पॉपुलेटेड स्टेट है, है ना? यूएसए की एक स्टेट है, उसमें उसके नाम पर ही इस एलिमेंट का नाम भी क्या हो जाएगा? कैलिफोर्निया. क्या हो जाएगा? कैलिफोर्निया से कौन सा मिला? कैलिफोर्नियम, ठीक है? हाँ जी. तो कैलिफोर्नियम जो एलिमेंट है उसका नाम कहाँ से आया? कैलिफोर्निया नाम से. ऐसे ही एक और एलिमेंट है, जैसे अपन ओरिजिन की बात कर रहे हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, पोलिनियम. क्या बोला मैंने? पोलिनियम. तो बताओ, जगह आपको पता चल गया होगा क्योंकि हम प्लेस की बात कर रहे हैं, तो एक देश का नाम है, बताओ कौन सा? बोलो, पोलैंड. यस,
क्या नाम है? पोलैंड। तो पोलैंड जहां पर ये पॉलिनियम आया और ये यहां पर क्या लिखा मैंने, समझ में आ गया आपको, कैलिफोर्नियम यानी कैलिफोर्निया से ऑप्टेंट ये डिराइव्ड हुआ है। दूसरा तरीका क्या है कि कुछ साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर्ड किया है, भाई उनका भी तो नाम होना चाहिए ना, हाँ, तो उनके नाम पे, उनके ऑनर के नाम, यानी साइंटिस्ट ने जिन्होंने इसको डिस्कवर किया है उसके नाम के आधार पर भी उनका एलिमेंट का नामकरण किया गया। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आपको अच्छी तरह से पता है हम जिसकी बात करते हैं रदरफोर्डियम, राइट? तो आपको अच्छी तरह से पता है कि रदरफोर्डियम किसने डिस्कवर किया होगा, है ना? ई रदरफोर्ड ने किसने डिस्कवर किया भाई? ई रदरफोर्ड साहब ने। जानते हो इनके बारे में आप? ही इज नोन एज फादर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, है ना? तो ये रदरफोर्डियम साहब, रदरफोर्ड जो थे, उन्होंने किसकी डिस्कवर की? रदरफोर्डियम की। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में ये तो हो गया, ये देखो नाम, और ये हो गया साइंटिस्ट के नाम के आधार पर। कुछ जो है एलिमेंट ऐसे भी हैं जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से उनका नाम दिया गया। जैसे गोल्ड कैसा दिखता है, कैसा दिखता है, हाँ, कैसा दिखता है? येलो कलर। वेरी गुड आंसर। कौन से कलर में दिखता है भाई? येलो कलर। येलो मैंने लिख भी येलो चौक से दिया है। जब मैंने चौक ही येलो ले ली तो बताओ, तो येलो कलर की वजह से गोल्ड का नाम भी क्या हो गया, यानी देखो येलो कलर जो है ना उस फिजिकल प्रॉपर्टी है कलर वगैरह ये सब चीजें, तो गोल्ड का नाम भी येलो कलर के हिसाब से गोल्ड रख दिया गया। लेकिन ये चीजें ज्यादा लॉन्ग तरीके से नहीं चल सकती, आपको पता है, क्योंकि ये साइंस का एक प्रोग्रेस, कंटिन्यूसली हम किसी न किसी चीज पे रिसर्च करते रहते हैं और कुछ ना कुछ आगे से ऑब्टेंट होता रहता है। तो ये तो थी उनके नॉर्मल डिस्कवर की बातें, लेकिन हमारे ग्रेट साइंटिस्ट जिनका नाम अगर साइंस पढ़ते हो तो इनके नाम के बिना वो अधूरा है। बताओ कौन है? जॉन डाल्टन। कौन है? जॉन डाल्टन साहब। तो जॉन डाल्टन साहब ने सबसे पहले एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का, भाई ऐसा नहीं है कि तुम अपने अपने नाम से रख लो, ऐसा नहीं चलेगा। तो जॉन डाल्टन साहब ने एक जो सिंबल्स को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका दिया वो कौन सा था? फिगरेटिव। देखो फिगरेटिव बोलते हैं उसको और पिक्टोरियल बोलते हैं। कौन से सिंबल बोलते हैं? पिक्टोरियल सिंबल। अब पिक्टोरियल सिंबल क्या होते हैं? दैट इज ओनली सिंबलाइज्ड, यानी सांकेतिक। सांकेतिक क्या होता है? जैसे मैंने ये बना दिया, ये बहुत खुश है आज छुट्टियों की वजह से, ये क्या है? बहुत खुश हो रहा है। तो क्या है, मैंने लिखा कि यहाँ पर खुश है, ये हैप्पी है, नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये सिंबल ही बता रहा है कि ये खुश है। और ये मैंने ऐसा लिख दिया, ये बड़ा दुखी है, ये है ना? तो ये क्या है? सिंबल। तो जॉन डाल्टन साहब ने पिक्टोरियल सिंबल दिए। और पिक्टोरियल सिंबल कैसे दिए? देखो ध्यान से देखें कि ये आप भाई कभी भी हाइड्रोजन की बात करेंगे तो ये एक गोला होगा, उसमें छोटा गोला होगा, अरे गोले में गोला हाइड्रोजन सब। तो यहां पर आप कभी भी हाइड्रोजन को पहचानेंगे तो ऐसा गोला लिख देना भाई साहब। और फिर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन भी गोला, लेकिन इसमें गोला और गोला नहीं होगा, यानी राउंड सर्कल तो होगा लेकिन इसके अंदर कुछ नहीं होगा। ऐसे ही फिर सल्फर की बात करें तो ये सल्फर हो गया साहब। अब ये देखने में तो अच्छे लग रहे हैं लेकिन जब इनका यूज किया जाएगा इट क्वाइट वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज इनको याद करना भी प्रॉब्लमेटिक है, सारे गोले गोले हो जाएंगे तो इनको लिखना समझना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। कैसे से प्रॉब्लम हो जाए देखो, देखें मैंने कह दिया भाई ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिला हुआ वाटर है। क्या है ये? वाटर। अब बताओ पिक्टोरियल फॉर्म में अगर पिक्टोरियल तरीके से जॉन डाल्टन साहब ने जो बताया वैसे लिखें तो कैसे होगा? देखो एक गोला उसमें फिर गोला, फिर एक और गोला और फिर उसमें और गोला है, और फिर ऑक्सीजन और आ गया तो और। तो भाई ये फॉर्मूला हो गया किसका? हो गया ये वाटर का फॉर्मूला हो गया। अब ये तो ठीक है,
सिंबल ही तो नहीं देने, अपने को तो केमिकल रिएक्शन भी तो करवानी है। तो जब केमिकल रिएक्शन करवा दी, बाय द वे मैंने H2+O2 बन गया भाई, क्या आपका H2O, अरे क्या बन गया बोलो, H2O। अब तुम बना के बता दो पिक्टोरियल सिंबल में कैसा होगा, कितने एच है, चार एच है, तो चार गोले बनाओ, 1, 2, 3, 4, फिर उनमें गोले और फिर दो ऑक्सीजन, फिर दो गोले, 1, 2 राउंड सर्कल्स, राइट। तो फिर आपने क्या बना, फिर आप देखो भाई इतने सारे राउंड 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 हो जाएंगे, कॉपी पूरी गोलों से या राउंड सर्कल से भर जाएंगी। वैसे ही केमिस्ट्री टिपिकल सब्जेक्ट लगता है बच्चों को, और ऐसे तरीके के फिगरेटिव सिंबल्स में पढ़ते तो केमिस्ट्री कोई पढ़ता ही नहीं है। लेकिन इसका भी एक सॉल्यूशन, हमारे ग्रेट साइंटिस्ट जिनकी बदौलत आज हम केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, लिख रहे हैं और अपना कुछ उसमें अच्छा योगदान भी दे रहे हैं। तो कौन आए फिर नए भाई, ये उन्होंने कहा आपके जो नए साइंटिस्ट आए उनका नाम था, क्या नाम था बताओ, बर्जीलियस साहब। कौन थे भाई, बर्जीलियस साहब का धन्यवाद कर दो, क्यों, क्योंकि आपने इनकी वजह से ही सारे गोलों से आप बच गए। इन्होंने एक कुछ रूल दिए, कुछ तरीके बताए कि आपको कैसे केमिकल का नाम लिखना है, किस तरीके से आपको उसको समझना है, समझे। तो धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ते हैं और अब इनका किस तरीके से यूज करते, क्या बताया इन्होंने, तो हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं, राइट। तो ब्रजीलियस साहब थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम एलिमेंट्स को लिखने के या सिंबल्स को लिखने के कुछ तरीके बताए, कुछ नियम बताए, ठीक है। तो आज हम उसी के, अब आए हम हमारे ओरिजिनल टॉपिक पे, तो अब आए हम, तो अभी किसके बारे में पढ़ रहे, हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। तो इन्होंने कुछ रूल दिए थे, उनके बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, तो क्या रूल दिए थे भाई, कि पहला कि जो एलिमेंट है, नेम ऑफ द एलिमेंट, उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा किससे, सिंबल से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सिंबल से। और सिंबल क्या होगी, क्या होगा भाई सिंबल, शॉर्ट फॉर्म, क्या होगा, शॉर्ट फॉर्म होगा, ठीक है। अब देखो शॉर्ट का मतलब क्या होता है, छोटा कर देना। हमारे सर, हमारे एक स्कूल में एक सर है, नाम बहुत अच्छा और काम भी जबरदस्त, क्या सर है उनका नाम बताओ, तुम उनका नाम क्या है पता है आपको, उनका नाम है, क्या नाम बताओ, RMD सर, क्या नाम है, RMD सर, सब जानते हैं उनके बारे में, ठीक है। तो RMD सर, चलो भाई फुल फॉर्म लिख दे, उनका पूरा नाम मैं बता देता हूँ आपको, किसी को पता ही नहीं हो, रोडुमल डिडवानिया, ठीक है, क्या नाम है, डिडवानिया सर। तो रोडुमल डिडवानिया सर इतना लिखेंगे, ठीक है, लंबा काफी हो जाएगा। तो उनको क्या कर दिया गया, शॉर्ट कर दिया गया, शॉर्ट करके हमने किस नाम से पहचाने उनको, RMD सर। तो सिंबल क्या करता है, शॉर्ट करता है, सिंबल क्या करता है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ द एलिमेंट। कैसे, क्या नियम थे वो अपन पहला रूल पढ़ेंगे। तो पहला रूल जो है, रूल नंबर फर्स्ट क्या है भाई, जो भी एलिमेंट होंगे, जितने भी एलिमेंट हैं जो इनिशियल स्टेज पर डिस्कवर हो गए थे, उन्हीं एलिमेंट का जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, फर्स्ट लेटर, लेटर ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। देखो इंग्लिश अल्फाबेट में पहला लेटर, जैसे मैंने कह दिया कि हाइड्रोजन, क्या बोल दिया मैंने, हाइड्रोजन, क्या बोल दिया मैंने, हाइड्रोजन। अब मैंने बोल दिया भाई कार्बन, क्या बोला मैंने, कार्बन। फिर मैंने बोल दिया भाई ऑक्सीजन, क्या बोला मैंने, ऑक्सीजन। तो कैसे पहचाने, पूरा पूरा थोड़ी ना लिखेंगे, ब्रजीलियस साहब ने बता दिया, क्या बताया पहला रूल, कि जो एलिमेंट होंगे उनका जो फर्स्ट लेटर होगा वो ही उनका क्या होगा, सिंबल होगा। जैसे बताओ आप तो समझदार हो सारे के सारे बच्चे, चलो बताओ तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइट आंसर। मैंने कहा था ना, रिपीट करते रहना मेरे साथ, ठीक है। तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या हो गया,
H. तो केमिस्ट्री में H4 क्या होता है? हाइड्रोजन. क्या होता है? हाइड्रोजन. C4 क्या होता है भाई? केट. केट होता है क्या? अरे C4 केट होता है क्या? नहीं होता है. C4 क्या होता है केमिस्ट्री में? कार्बन. और O4 ऑरेंज. ऑरेंज होता है क्या? नहीं होता ना. O4 क्या होगा केमिस्ट्री में? ऑक्सीजन. और N4 नाइट्रोजन. तो पहला तरीका तो यही था कि जो हमारा जो एलिमेंट का नाम है उसका पहला पहला वर्ड ही उसका सिंबल होगा. बात समझ में आई क्या? चलो ठीक है. तो पहला रूल हमने डिस्कस कर लिया. ठीक है, पहला रूल समझ में आ गया. दूसरा नियम, दूसरा रूल क्या कहता है? मान लीजिए कि हाइड्रोजन तो हमने दे दिया है ना भाई, हाइड्रोजन का नाम तो H से स्टार्ट हो रहा, दे दिया. और उसी वक्त क्या आ गया भाई? हीलियम आ गया. अब क्या इसको भी H दे में? क्या इसको भी H दे में? नहीं दे सकते. क्यों नहीं दे सकते H? क्योंकि हमने H को पहले ही यूज कर लिया. आपको पता है कुल टोटल 118 तो क्या है एलिमेंट, और इंग्लिश के अल्फाबेट कितने हैं? कितने हैं? हाँ कितने? 26 या 27? 26. ठीक है, तो बताओ रिपीट होंगे कि नहीं होंगे? ये सब रिपीट होंगे, और रिपीट होने की वजह से इनको याद करना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट. तो आज दूसरा तरीका उन्होंने ये बताया भाई, लिखेंगे तो वैसे ही फर्स्ट कैपिटल लेटर के यूज में. जैसे हीलियम है, जैसे बेरियम है, क्या बोला मैंने, जैसे कैल्शियम है, क्या बोला मैंने, सब रिपीट करते जाओ भाई. जैसे एल्यूमिनियम है ना, देखो एल्यूमिनियम, इनसे पहले आप ये इनको समझो अच्छी तरह से. तो हीलियम का क्या सिंबल हो गया? हीलियम का क्या हो गया? एच ई. ठीक है, चलो बेरियम का क्या हो गया? बी ए. सही है क्या? ये सही नहीं है, कुछ बच्चे बहुत होशियार है. देखो तो बेरियम का क्या हो जाएगा? बी ए. और इसका क्या हो जाएगा? सी ए. तो बताओ भाई दूसरा रूल क्या कहता है? पहला रूल तो समझ में आया क्या? अब दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरा रूल कहता है कि पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल में लिखा जाएगा, और दूसरा क्या कहता है? दूसरा लेटर स्मॉल होगा. अगर हमने यहां पर कैपिटल लिख दिया तो क्या प्रॉब्लम आएगी सर? है तो इंग्लिश ही है ना. तो क्या होगा भाई? ही, एच ही की जगह हमने ही कर दिया, तो ही, ही यानी वह. अंग्रेजी में चले जाओगे आप, किस में चले जाओगे? अंग्रेजी ही, वह. और अगर ने आपने बी ए लिख दिया ना, तो डायरेक्ट बी ए पास हो जाओगे आप. क्या हो जाओगे? बी ए पास हो जाओगे. ये पर सिंबल नहीं है. तो पहला तरीका तो आपको बता दिया, फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल इन इंग्लिश अल्फाबेट्स. एंड द सेकंड रूल क्या है? द फर्स्ट लेटर इज यूज एज अ कैपिटल वर्ड, बट द सेकंड लेटर इज स्मॉलर यूज करते हैं. अंडरस्टैंड? दो रूल समझ में आ गया. ठीक है, अब तीसरा फटाफट से रूल समझ लेते हैं, क्योंकि वीडियो बड़ी बन जाएगी. समझ में आया? तो फटाफट से तीसरा रूल समझ लेते हैं. बहुत सारे बच्चों को हम, जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, उसको घर पे किसी नाम से जानते हैं, जैसे मान लीजिए उसको काल्या बोलते हैं, और स्कूल में उसको परमानंद बोलते हैं. भाई रिकॉर्ड तो क्या है? परमानंद का है ना, वैल्यू तो परमानंद की है ना. तो तीसरा जो तरीका है वो ये तरीका है. ध्यान से देखो आप, हम यूज करते हैं लैटिन वर्ड. क्या यूज करते हैं? लैटिन वर्ड. कौन से वर्ड यूज करते हैं? लैटिन वर्ड. अब लैटिन वर्ड क्या होते हैं ये भी समझ लो. ये कौन सी बीमारी आ गई भाई हैं? अब ये लैटिन वर्ड वैसे ही बहुत प्रॉब्लम थी, फिर ये नया कहां से आ गया? तो लैटिन वर्ड क्या है? जैसे हमने दो रूल पढ़े, कौन सा? कि पहला लेटर तो कैपिटल होगा और दूसरा फर्स्ट और स्मॉल होगा. लेकिन अब यहां क्या हो गया? जैसे मैंने बोल दिया, यहां मैंने लिख दिया सोडियम. क्या लिख दिया भाई? सोडियम लिख दिया ना. तो बताओ मैंने पोटेशियम लिख दिया. क्या लिख दिया मैंने? पोटेशियम लिख दिया. चलो बताओ और दूसरा बताओ, और भी तो है ना. जैसे मैंने गोल्ड के बारे में लिखा, तो यहाँ मैंने लिख दिया गोल्ड लिख दिया है. तो भाई इनका सिंबल भी क्या होगा? सोडियम का सिंबल ऐसा होगा ना. अरे ऐसा होगा या नहीं होगा? नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका घर का नाम ही था है. अपने ऐसे जनरली की बात करते हैं, ऐसा होता नहीं है वा. क्योंकि इनको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? इसको रिप्रेजेंट किया जाता है लैटिन वर्ड से. और सोडियम का लैटिन वर्ड क्या है बताओ भाई, जल्दी से बताओ क्या है? नाइट्रियम. वाह भाई,
नाइट्रियम से लिया Na, तो सोडियम का सिंबल क्या हो गया Na, क्या हो गया Na, आई बात समझ में। अब आगे पोटेशियम, तो क्या सिंबल पोटेशियम का PO होना चाहिए क्या, नहीं होना चाहिए ना, तो क्यों नहीं है, इसका सिंबल तो भाई K है, K क्यों है, क्योंकि इसको क्या बोला जाता है केलियम, क्या बोला जाता है भाई केलियम का के, के, अरे यही सिंबल होगा इसका, PO नहीं होगा। गोल्ड का G है क्या, नहीं है, गोल्ड का G नहीं है, क्या सिंबल है, क्या सिंबल है बताओ जल्दी से, अरे ऑरम का क्या हो गया Au, आई समझ में, ये इसका सिंबल, ये इसका सिंबल, ये इसका सिंबल, बताइए सारे नाम क्या है, ये हैं आपके लेटिन नाम, थोड़ा इधर लो भाई इसको, हाँ क्या है ये लेटिन नेम, और लेटिन नेम से ही इनका क्या दिया जाता है, सिंबल दिया जाता है। तो तीन रूल पढ़ लिया, फटाफट से फोर्थ रूल भी पढ़ लेते हैं और फिर इसके बारे में हम चैप्टर को करते हैं, इस टॉपिक को करते हैं क्लोज। हाँ जी, तो फोर रूल के बारे में फटाफट से जानकारी कर लेते हैं, और फोर रूल क्या है ध्यान से देखें कि जो 100 अबाउ एलिमेंट के नाम किस तरीके से दिए जाते हैं उसके बारे में हम फटाफट से यहाँ देख लेते हैं कि जो मान लीजिए 100 अबाउट भी इसी तरीके से देंगे क्या, पहला दूसरा लेटर कैपिटल स्मॉल, नहीं, उनका एक तरीका है, उन तरीके को आप थोड़ा सा ध्यान से देख लें कि अगर एक है वन उसको बोला जाएगा एन, दो को बाई, थ्री ट्राई, फोर क्वाड, फिफ्थ पैंट, सिक्स हैग्स, सेवन सेप्ट, और एट ऑक्ट, नाइन एन, जीरो नेल, राइट। और उनके लास्ट में हम क्या लगा देंगे, आई यू एम, क्या लगा देंगे, आई यू एम। अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए 101 नंबर जो है इस एलिमेंट का नाम बताओ भाई क्या होगा, तो मैंने बोला ना एक को क्या बोलेंगे एन, क्या बोलेंगे एन, ठीक है, जीरो को क्या बोलेंगे, जीरो को क्या बोलेंगे भाई, निल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, निल बोलेंगे, ठीक है। और वापस मैंने कहा एक वन है उसमें क्या लगा देना आप, आई यू एम, क्या लगा दोगे, आई यू एम, तो वन को क्या लिखेंगे एन, आई यू एम, तो अननिल यूनियम, ठीक है। अब इसका सिंबल क्या होगा, तो इसका सिंबल होगा यू एन, और यू लिखा इस तरीके से जाएगा, ध्यान से देख लेना इसको कि यू एन यू, ये इस तरीके से किसका सिंबल का हो गया, 101वें एलिमेंट का। अब कितने भी डिस्कवर हो, ठीक है, कितने भी डिस्कवर हो उसके आगे इसी तरीके से नाम दिए जाते हैं और सिंबल दिए जाते हैं। तो आज की क्लास में हमने जो पढ़ा है वो थोड़ा सा ध्यान से देख लें क्योंकि ये बेसिक है, नाम किस तरीके से एलिमेंट्स के दिए जाते हैं वो आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया। आपको इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब कुछ PDF के फॉर्मेट में लिंक में शेयर कर देंगे, आप उनका यूज़ करें और अपनी क्वेरीज दें। थैंक यू वेरी